साथियों नमस्कार। देखिए भाइयों, आज मैं फीमपुर खुर्द गांव में हूं, जो ज़िला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और आज जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं, इनके शौक देखिए, ओरिजिनल शौक जिसे कहते हैं, बहुत ही शौकीन किसान। तो अभी मैं आपको इनके सारी चीज़ दिखाऊँगा, कृषि यंत्र और पशु वगैरह, जो कि पशुओं के बहुत ही ज़्यादा शौकीन। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, थोड़ा सा एक बार अपना परिचय दो जी। नाम मूलचंद है जी। गाँव फेमपुर खुद जी। थाना तहसील खटोली जी, मुजफ्फरनगर जिला। अच्छा अच्छा भाइयों, हमारे जो है ये मूलचंद प्रधान जी है, पूर्व प्रधान, और ये जो है इन्हें शौक देख सकते हैं आप इनके पास में। इनका घर घेर एक ही जगह है, इनके पास में दो ट्रैक्टर। अच्छा, घर अलग है, घेर है तो। हाँ जी, ये घेर है भाइयों। और मैं पहले तो आपको इनके पशु दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए भाइयों। तो जी खाट तो साड़ की बनवा रखी, दिखा जी। देखिए भाइयों, हुक्का भर रखा है हमारे किसान भाई ने, और हुक्का चल रहा है। और ये देख सकते हैं खाट, गांव में यही करेज होता है भाइयों, हुक्केकार खाट का। और ये देखिए शानदार घोड़ी है इनके पास में। और अभी मैं पहले आपको इन्हें पशु दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं एक से एक उमदा नस्ल की भैंस है इनके पास में। तो ये कहाँ की है जी? आ जाओ। घर की जी। अच्छा, घर की है जी। अच्छा अच्छा, देखिए भाइयों, मैट वगैरह नीचे डाल रखा है, पशुओं के बहुत ही ज़्यादा शौकीन। ये दूसरे वाले भी जी अपना घर? राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से जी। यो कते क्या के थे जी? पचासी हज़ार की। देखिए भाइयों, तीसरी भैंस इनके पास में। भैंस तो एक का भारी हो रही जी लोगों को रखनी अब। ये भी जी घर की है? अच्छा, ये भी ली भाई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुल मिला के जी पाँच भैंस हो गया आपके पास में ना? हाँ जी। ये देखिए भाइयों, कटिया वगैरह होगी इनकी? कटिया पड़ने लग रही है। अच्छा अच्छा, ये गायें होगी इनके पास में। ये साहिवाल की दोगड़ी है, साहिवाल है। और भाइयों, बहुत ही देखने लायक चीज़ इनके पास में, एंटिक नागौरी नस्ल की बैलों की जोड़ी, जो कि आजकल विलुप्ति की कगार पर है। थोड़ा सा आगे को आ जाओ जी। और हमारे जो किसान भाई ने आज तक भी रख रखे हैं, इनके द्वारा खेती कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बैलों के द्वारा ही खेती कर रहे हैं, दो दो ट्रैक्टर भी हैं इनके पास में। लेकिन बैलों का शौक और घोड़ी का शौक इन्हें पुराना है काफ़ी। और ये देख सकते हैं कितनी शानदार इनकी। तो जी, ये कैक दांत है जी, कन्नी भर रहे होंगे तो? भर गए जी कन्नी। अच्छा, कब लाए थे जी आप इन्हें? चार साल हो गए, दो दो दांत थे। अच्छा, वहाँ से लाए थे? मेरे से ही। मेरे से। अच्छा अच्छा, तो जी अपना खेती कर रहे हैं इनसे? एक जोतता है बस। हाँ, एक जोतता है, बाकी अपना शौक है जी। बिना बैल नहीं कमाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे जी, किसान की तो पहचान इनसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। भाइयों देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं खुंटे पे भी। अभी आप। अच्छा अच्छा, बड़ोत से लाए जी? देखिए भाइयों, इनका करडा देखिए आप, ऊना करडा है, बड़ोत की पीठ में से लाए होंगे जी। भाई वाह, शानदार है जी पूरा। तो यो हिलाया थोड़ी होगा जी अभी? नहीं, लगान लग रही है से। अच्छा अच्छा, चलो जी फिर लगा। हाँ जी, देखिए भाइयों, इधर इनका पीछे अपना गोबर उबर का घेर में अपने इन्होंने इंतजाम कर रखा है, और बिल्कुल बाहर वाया इनका यह घेर है। अभी मैं इनके ट्रैक्टर दिखाता हूँ आपको। इनके पास में अपने दो फार्म ट्रैक के ही ट्रैक्टर है। फार्म ट्रैक के जी फैन हो आप? हाँ, फार्म ट्रैक अच्छा है। अच्छा अच्छा, देखिए भाइयों, इनका फार्म ट्रैक का ये 45। ये कौन सा मॉडल है जी? 17 क्लासिक स्मार्ट 320। अच्छा अच्छा, सादे स्टेयरिंग में है जी? सादे स्टेयरिंग में है, एडजस्टेबल एक्सल है इसमें। और ये देखिए भाइयों, देवबंद का बम्पर लगा हुआ है इसमें, और बहुत ही साफ सफाई से रख रखा है ट्रैक्टर, देख सकते हैं आप। पिछले टायर इसमें 13x28 के है, अगले टायर इसमें 616 के है। और ये देखिए भाइयों, शौक किसान के, गार्ड वगैरह कितनी अच्छी तरीके से ट्रैक्टर पे लगा रखे है, कहीं से पेंट ना उतरे। तो ये कितने घंटे चल गया जी? 800। सात सौ छियासी घंटे। बढ़िया कर रहा जी काम। एक बार आवाज़ सुनवा दो जी। क्या शानदार आवाज़ है, ट्रैक्टर की आवाज़ सुन सकते हैं भाइयों। फार्म ट्रैक की आवाज़ बहुत करा रही है, आवाज बंद कर दो। और देखिए भाइयों, पल वगैरह में बिल्कुल दाब का बिल्कुल ढक्का रख रखा है। और ये देखिए भाइयों, इनका ये सादा इन्होंने पॉकेट बनवा रखा है, खाद वाद वगैरह भरने के लिए, और बहुत ही बढ़िया काम करता है खाद भरने का। आ जाओ जी। ये देखिए भाइयों, इनके शिकारी हो गए, जाल बनवा रखा है इनका भी। अच्छा, ये कौन सी नस्ल के जी? जर्मन शेपर्ड है ये। अच्छा, जर्मन शेपर्ड। तो हाँ जी, ये इनका मंजा हो गया,
दौड़ी निकालने वाला, और ये लेजर हो गया इधर, और पहली तरफ एम बी प्लाउ है, और ये देखिए भाइयों इनका चौपहिया हो गया, यहाँ पर खतौली मील पड़ता है इनका, और चौपहिए बहुत है यहाँ पे, काफ़ी देखने को मिलेंगे। आ जाओ जग, देखिए भाइयों एक और इनके पास में एंटिक चीज़, घोड़ियों का शौक। तो ये शौक कब से है जी आपको? बहुत दिनों से जी, बाबा दादा के आगे। अच्छा जी, पहले से तो शुरू से ही रखते आए जी? शुरू से। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की जी? यो बिलोतरी है, नुगरी। अच्छा, बिलोतरी नुगरी, थोड़ा सा आगे को आ जाओ। देखिए भाइयों अभी जो है ये काठी पे भी चला के दिखाएंगे, अभी मेरे आने के बाद में इन्होंने तैयारी करी इसकी, और ये इसका बच्चा देख सकते हैं। ये कितने दिन का हो गया जी बच्चा? एक साल का, 22 तारीख में। एक साल का जी? अक्टूबर में। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ जी, जैसा आपने रख रखी इसका, कुछ खाने पीने का क्या हिसाब रहा है जी? खाने का यही है, भूसी किसान निकल दो। अच्छा जी, चोकर लड़ा दो, चेड़े की चूरी लड़ा दो। अच्छा अच्छा, ये भैंक से खा लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शौक है जी, तो अपना शौक का तो कोई मोल ही नहीं है। और का दूध दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। और भाइयों ये इनकी अपनी फिरक होगी। तो घोड़ी का तंगा निमणवा रखा जी? तंगा। अच्छा अच्छा, और ये भाइयों देख सकते हैं इनकी साड़ की खाट होगी, और हुक्का बाज रहा है। तो थोड़ा सा ये देखे इनकी मोटरसाइकिल चारों, चलो बताओ जी। ये मोटरसाइकिल नंबर सबका जोड़ जो है यो जी 21 और 11 मिला है। 21 और 11 भाइयों, सारे वीआईपी नंबर है इनके पास में। और ये ट्रैक्टर का नंबर जी? ट्रैक्टर का नंबर ये बुलेट वाला ही ट्रैक्टर का नंबर सेम। अच्छा अच्छा, गाड़ी का कौन सा बता रहे जी आप? UP12AQ0038। अच्छा अच्छा, तो सारे नंबर वीआईपी ले रखे जी। और इन्होंने अपनी भाइयों खाट वगैरह देख सकते हैं, सिस्टम के पाँव और साड़ की है। और ये इनका दूसरा ट्रैक्टर भाइयों, फार्म ट्रैक 60। ये कौन सा मॉडल है जी? इधर रोटर वेटर रख रखा है इन्होंने, 7 फुटा छावे में है। तो ये कौन सा मॉडल बताया जी? 14 जी। अच्छा 60, अरे ये दो ट्रैक्टर रख रखे जी? अच्छा, दोनों का अलग काम जी? एक तो मिल में है हर वक्त। हाँ, गन्ने गुन्ने ढोने में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ काम बताओ कैसे करे थे? हाँ ये खेत की जुताई वगैरह बड़ा काम करने के लिए अपना रख रखा जी। अच्छा एक बात बताओ जी, इसका 60 का डीजल का एवरेज कैसा जी? उससे ज्यादा है, 45 से। 45 से ज्यादा है ना जी? हाँ, काम भी ज्यादा है। काम भी ज्यादा है, लेकिन पावर स्टीयरिंग है। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं भाइयों पावर स्टीयरिंग में है ये, और एडजस्टेबल एक्सल है इसमें। फार्म ट्रैक 60 ओएल मिक्सड। हाँ जी, हाई कैपेसिटी लिफ्ट जी जी, लिफ्ट की हाई कैपेसिटी। हाँ, 10 क्विंटल पावर सेटिंग 3 सिलेंडर में है भाइयों, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल देख सकते हैं छतरी वगैरह, और छावे में खड़ा कर रखा है बिल्कुल ये। तो जी एक बार मारियो इसमें विशाल, एक बार आवाज़ सुनवा दो भाई। देखो गियर में ना हो, देख लियो एक बार। हाँ गियर में तो होता ही नहीं, पर क्या जानदार आवाज है, क्या करारी आवाज है जी, बिल्कुल फर्म ट्रैक की। कर दो जी बंद, मत करारी आवाज है एकदम। ये बम्पर दोनों देव बन के लगवा रखे जी? अच्छा अच्छा, देखिए भाइयों यहीं अपना इन्होंने घेर में एलईडी लगा रखी है अपनी, और ये खाट वगैरह पड़ी है देख सकते हैं आप। तो मैं थोड़ा सा इनका घेर दिखा दूँ आपको थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारे एक बाबा जी बैठे हैं पुराने, थोड़ा सा इनसे भी हम बात करेंगे अभी, हुक्का भर रखा है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, थोड़ा सा अपना परिचय दो जी, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है। अच्छा अच्छा, गांव फीनपुर खुर्द है जी। कितनी एज हो रही होगी जी? मेरी उम्र? हाँ जी, होगी 85। 85 साल की? हाँ जी। देखे भाइयों जो पहले हमारे बड़े बुड्ढे हैं वे आज भी फिट है, और जो आज की तंती है सबके चेहरे उतरे पड़े। तो थोड़ा सा अब 60 का एवरेज आ गया उम्र का भी, और बहुत अच्छा लगा देख सकते हैं आप। ओरिजिनल ठाठ है भाई, जो हमारे आज से 20 साल पहले किसानों के थे, और इनके घेर में आकर बहुत ही अच्छा लगा भाइयों। अभी आपको हम दिखाते हैं इसकी काठी पे सवारी करके, अभी इस घोड़ी को भी दिखाएंगे आपको। तो भाइयों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। नमस्कार भाइयों, इनका स्प्रे टैंक हो गया। ये कहाँ बनवाया था जी? अच्छा अच्छा, खतो लियो का तेक का बन गया था जी? अच्छा अच्छा, और ये बुलेट कौन सा मॉडल है जी? 2017 मॉडल है जी। 2017 मॉडल।